वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, किसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया में कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे जो अणु परमाणु हैं वो दोनों साइड बैलेंस होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या भौतिक अभिक्रिया है ना। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरीके की होती हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व इन्वॉल्व होते हैं, है ना। कोई एक तत्व भी हो सकता है जो टूट के कई तत्व बनाए, या दो यौगिक या दो तत्व आपस में मिलकर नया तत्व बना सकते हैं, उनकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए, उन्हें हीट दे दिया जाए, दबाव में उनका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिकों के मिलने से जब कोई नया तत्व या यौगिक बनता है तो उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों का संगठन बदल जाता है, यानी कि कोई नया तत्व बन रहा है उसके भौतिक गुणधर्म बदल जाएंगे, रासायनिक गुणधर्म बदल जाएंगे, लेकिन जो परमाणु होता है वो नहीं बदलता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन ही रहेगा, है ना, और वाटर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं बदल जाएगा, बस उसका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, सिंगल बॉन्डिंग हो रही है, डबल बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, वो किस तरीके से जुड़ रहा है, इसकी वजह से एक नया तत्व निकल के सामने आता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक तत्व कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि कितने तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। दो लोगों के मिलने से भी हो सकती है, एक ही तत्व के टूटने से भी हो सकती है, या विस्थापन से कि एक भाई दो फैमिली मिले और किसी को किसी की बॉन्डिंग, किसी को किसी के साथ अच्छा लगा, किसी को किसी के साथ, तो वो आपस में मिलके अच्छे दोस्त बन गए, है ना। और इसी तरीके से कई तरीके से हमारे रिलेशनशिप बनते हैं कई तरीके से, वैसे ही यहाँ भी तत्व या यौगिक अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना। हमें जिसके साथ कभी कभी ऐसा होता है दो फ्रेंड्स हैं लेकिन अब उनका जम नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर वो अलग अलग हो गए, फिर वो अलग अलग अपने इंडिविजुअल दूसरे किसी के साथ काम कर रहे हैं, है ना। और या तो ऐसा होता है कि दो अलग अलग लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए, अब वो उनकी एक यूनिट बन गई, वो अपना एक यूनिट बना के काम कर रहे हैं, है ना। या दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग फैमिली से लोग आए और आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है किसी की किसी के साथ, तो वो उसके साथ मिलके अच्छे पेयर बन गए, है ना। तो जैसे हमारे रिलेशनशिप बनते हैं वैसे ही यहाँ पर यौगिकों के तत्वों के रिलेशनशिप बनते हैं। जैसे हम अपनी लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वैसे ये लोग भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम किसी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ना। जैसे हमें जिस चीज़ की लाइफ में कमी लग रही है पता चला वो अगला इतना ही एनर्जेटिक है तो हम उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर होता है कि कोई एकदम नेगेटिव है, कोई बहुत पॉजिटिव है, तो वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक नया तत्व बन जाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है संयोजन की अभिक्रिया। सबसे पहले हम तोड़ने की नहीं, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, जोड़ने की, है ना। तो जोड़ना मतलब संयोजन। संयोजन की अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संयोजन यानी कि जोड़ना। इसमें क्या है कि आपको एक या एक से अधिक तत्व है, यौगिक है, हाँ परमाणु है, ये जब साथ में आते हैं तो वो मिलके एक यूनिट या एक तत्व या एक यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है संयोजन की अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बुझा हुआ चूना भी इसको आप कहते हो, है ना। तो बुझा हुआ चूना जब वाटर में मिलाया जाता है लिक्विड में, है ना, जो कैल्शियम ऑक्साइड है बुझा हुआ चूना है वो सॉलिड है, और जब उसको पानी में मिलाया गया दैट इज लिक्विड। तो क्या होता है कि जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो CaOH choice यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाता है, और जब आप मिलाते हो तो देखते हो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस हो रही है ना, वो गर्म हो जाता है तो वो उसमें से ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का मिलन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, इससे हमें एक नया तत्व मिल रहा है दैट इज CaOH choice यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस अभिक्रिया में पूरी अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकल रही है ना। तो इसको देख के समझ में आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व या परमाणु आपस में मिलकर नया तत्व या यौगिक बना रहे हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पानी में घोल लिया, ये तो चूना ही है, इसको आपने पानी में घोल लिया। आप देखते हो घरों में जब पुताई होती है, व्हाइट वॉश होता है, तो क्या होता है लिक्विड में वो घोल के और पूरी दीवार में पोत देता है
है ना। अब पूरी दीवार में लिक्विड पोत दिया, लेकिन कुछ दिन बाद दीवारें कितनी बढ़िया व्हाइट वॉश होगी, कितनी बढ़िया सफेद सफेद सी चमकने लगती है ना। पोता तो उसने लिक्विड था, लेकिन अब वो क्या है, पपड़ी जैसी बन जाती है, सॉलिड हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो रिएक्शन होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलती है उसको, एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब वो पूरी दीवार पे पोत देता है तो वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के टच में आता है, और जब टच में आता है तो एक नया रिएक्शन होता है, और उस नए रिएक्शन में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एनर्जी देती है कि हाँ ठीक है, तुम बहुत अपने आप को कम मत समझो, बहुत ढीले मत समझो, लगातार मोटिवेट करती रहती है, तो वो भी सॉलिड हो जाता है ना। और जब वो सॉलिड हो जाता है तो वो चमकीला सा हो जाता है, एकदम वाइट सा हो जाता है, और हमारी दीवारें एकदम सफेद सफेद सी चमकने लगती है। किसकी वजह से, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के टच में कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, तो वो गैस लगातार उसको मोटिवेट करती रहती है, रिएक्शन करती रहती है उसके साथ, और फिर वो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, चमकीला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का भी फॉर्मूला होता है, यानी जो संगमरमर है आपका वो एक तरह से चूने से ही बना हुआ, उसका ही यौगिक है। तो वो क्या है, अब कार्बन को आप देखो, कार्बन अगर नाम आता है तो क्या होता है, काला काला सा कुछ होगा, दैट इज कार्बन, है ना, दिमाग में तो यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कार्बन का ही एक यौगिक क्या है, संगमरमर है, यानी कि एकदम व्हाइट है ना। तो इसलिए किसी के बारे में बहुत ज्यादा पहले से ही नहीं रखना चाहिए सोच के, है ना, कि ये ऐसा ही होगा, नहीं, देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है वो एकदम व्हाइट, यानी संगमरमर का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट वाले होता है, CaCO3 ही होता है। और इस अभिक्रिया में क्या निकलता है, वाटर, वाटर वेपराइजिंग होता है, है ना। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अब धीरे धीरे गर्मी के मारे वाटर जो है मॉलिक्यूल इवेपोराइज हो जाते हैं। अब यहाँ पर और उदाहरण भी देख रहे हैं, जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है, तो कार्बन जो सॉलिड है, कार्बन अभी मैं बता दी, कार्बन का नाम आता है तो हम क्या याद आता है, कोयला। तो हम वही वाले रिएक्शन पे आ गए, जो कार्बन है, सॉलिड है कार्बन, उसको जब आप जलाते हो, कोई भी चीज ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में जलती है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो नहीं जलती है ना। तो इसलिए जब कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, तब क्या बनता है, CO2, देखा ना, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एक नया तत्व बना रहा है, एक नई गैस बना रहा है। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ऐसे ही वाटर का मॉलिक्यूल, अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यौगिक है ना, अब हम यहाँ देख रहे हैं एक एक एटम मिलकर भी नया मॉलिक्यूल बना ले रहे हैं, नया तत्व बना रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। अब इनका भौतिक रूप क्या है, गैस और गैस है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल यानी लिक्विड बनाते हैं, इनका भौतिक स्वरूप भी बदल जाता है, ठीक। अपनी बात करते हैं, जैसे क्या होता है दैनिक जीवन में, हम कुछ देर बाद या कुछ काम करने के बाद थकावट महसूस करते हैं, क्यों, फिर या हमें भूख महसूस होती है, क्यों, क्योंकि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब एनर्जी खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें खाना खाना चाहिए ना, क्यों, अरे अगर हमारी एनर्जी डाउन हो रही है तो हम और भी कुछ कर सकते हैं ना, मतलब चलो कूद लेते हैं, नहीं, चलो भाग लेते हैं, नहीं, चलो हवा ले लेते हैं, नहीं, पानी पी लेते हैं, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले, और वो कुछ ऐसा क्या है, कुछ इनटेक करना है हमें, कुछ खाना है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें भोजन से मिलती है या फ्रूट से मिलती है, मतलब कोई भी सॉलिड चीज जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं, अलग अलग चीजों में, अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग चीजें मिलती है, जैसे किसी में प्रोटीन मिलता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी में फैट मिलता है, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो अब क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि आपने दूध पिया तो उसमें से प्रोटीन निकला, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे हेयर्स में है, हमारे जिन चीजों में मरम्मत टूट फूट जहां पर चोट वोट लगी तो वहां पर जाके वो दूध चिपक गया, है ना, ऐसा नहीं होता ना। या हमने ग्रेन्स खाए या फूड खाए या चावल खाए या रोटी खाए, उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो हमें काम करने के लिए, दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो हमारे हाथ पैर में, यहाँ एक रोटी आके लग गई, यहाँ एक रोटी इस तरफ आ गई, इस तरफ आ गई, अब हमारे हाथ काम करने के लिए रेडी, ऐसा भी नहीं होता। तो होता क्या है, खाना खाने के बाद होता क्या है, जो खाना, जो हम भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसमें होता है ग्लूकोज, ठीक, कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या
करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिलते हैं रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वो हम बाहर कर देते हैं। उसके बाद बनता है वाटर, ठीक है, वाटर मिलता है हमारे शरीर को और उसके बाद मिलती है ऊर्जा। यही ऊर्जा, इसी ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, कुछ भी एनर्जेटिक चीजें लेते हैं, तो ये ऊर्जा मिलती है हमें कब, जब हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या कुछ लेते तो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करके टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में, और उसमें इस पूरी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। तो जिस अभिक्रिया में, एक चीज ये भी नहीं है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि उस अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका विपरीत क्या होता है, जिसमें, जिस अभिक्रिया में एनर्जी ग्रहण की जाती है, यानी जिस अभिक्रिया को करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण करना पड़ता है, अभिक्रिया करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी, वो ऊष्मा ले रही है, और जिसमें अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो हमने इस पूरे में देखा संयोजन अभिक्रिया में कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक तत्व, मॉलिक्यूल या यौगिक मिलके नया कोई तत्व या यौगिक बना रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी मिलके नया बन रहा है तो संयोजन होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा, संयोजन का उल्टा होगा वियोजन, यानी कि अभी तुम मिलके बना रहे थे अब टूट के बना रहे हैं, वियोजन, विघटन, आप इसको विघटन भी कह सकते हैं। तो विघटन या वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है सॉलिड है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को हीट देंगे, ये जो ट्राइंगलर है ये हीट का सिंबल है, इसका मतलब है कि हम इसको गर्म कर रहे हैं। अब भी मॉलिक्यूल, जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी लगा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये ब्लू कलर का होता है, तो इसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल भी लगे होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ही अलग होते हैं, वो बहुत लूज बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, उसके बाद इसका विघटन होता है, ये टूटता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, और साथ में निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये तो गैस होती है। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन से ही क्लियर है, विस्थापन यानी कि हटा देना, है ना, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कार्य और विस्थापन, है ना, कार्य और विस्थापन में क्या अंतर है कि विस्थापन मतलब एक जगह से उसको हटा देना, लेकिन कार्य तभी होगा जब वो उस डायरेक्शन में वो विस्थापित होगा या उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो चलिए वो तो फिजिक्स की बात है, हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी वहां उस जगह से उसको हटा देना, हमारे केमिस्ट्री में इतना वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि हाँ मतलब विस्थापित हो गया तो हम मान लेते हैं जी हो गया, कार्य हो गया। तो यहाँ पर हमें विस्थापन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं तत्व यौगिक जो बहुत सॉलिड होते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो जहाँ भी जाते हैं बस अपना, बस मेरा नाम ही काफ़ी है, वो जहाँ जाते हैं वह तोड़ फोड़ लगा के बस अपनी इमेज बना लेते हैं, है ना। वैसे ही अब क्या है, जो भाई पावरफुल है अगला कमजोर है तो वो अपने आप को वो बना ही लेगा, उसकी जगह तो हटा ही देगा, तो वैसे ही यहाँ पर है, आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं AgCl है यहाँ, है ना, ये सिल्वर क्लोराइड है, तो अब इसका जो सिल्वर क्लोराइड इसको सनलाइट पर जब हम रखते हैं तो फिर क्या बन जाता है, यहाँ जो सिल्वर है वो बच जाता है और क्लोराइड गैस बन के उड़ जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को जो सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर तो बच जाता है बाकी ब्रोमाइड गैस है वो निकल जाता है। इसका यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता क्या है कि ऐसे आपने देखा ना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सी रहती है, उसके बाद वो क्या होता है कि वो सिर्फ सिल्वर यानी आपका फोटो बचता है, पर फोटो क्या है वो व्हाइट व्हाइट सा ही तो आता है ना, तो दैट इज सिल्वर, है ना, और बाकी जो रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट में, क्लोरीन है वो उड़ जाता है या ब्रोमीन है वो उड़ जाता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो है विस्थापन, अब इसमें एक एग्जांपल और हम देख रहे हैं Fe और कॉपर सल्फेट, ये फेरस क्या है आयरन है, ठीक है, उसे हम किसमें डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, जो फेरस यानी लोहा,
ठीक, जैसे लोहे की कील भी है और वो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं, तो फिर होता क्या है कि जो फेरस सल्फेट बन जाएगा, यानी फेरस है वो किसके साथ, किसको अपने साथ पटा लेता है, सल्फेट को वो खींच के अपने साथ मिला लेता है, तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। क्यों? अच्छा, आगे की कहानी में देखिए, ऐसा इनके साथ सिर्फ यही नहीं करते हैं, फेरस ही नहीं करते हैं इनके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा जिंक भी करते हैं, लेड भी करते हैं। जिंक को भी अगर इनके सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डाल दिया जाए, तो फिर क्या हो जाता है कि जिंक भी सल्फेट को अलग करके अपनी पार्टी में मिला लेता है। ठीक है, ऐसे ही लेड को अगर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, तो वो भी जो है इसके क्लोराइड के साथ सॉल्यूशन में कॉपर को फिर से अलग कर देगा। भाई कॉपर के साथ ऐसा दुर्भाव क्यों? कॉपर ने ऐसा क्या कांड किया हुआ या इतना कौन सा पापी है? जी ऐसा नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल पढ़िए, आपने पढ़ाई है कि जो रिएक्शंस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, जो आपकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करती है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या डिसाइड करते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर तो प्लस चार्ज है मतलब प्रोटॉन है, साथ में न्यूट्रॉन भी है तो न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन जो बाहरी कक्षा होती है उसमें हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो आपको याद होगा कि बाहर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में, यही हमारे तत्व जो तत्व होते हैं, इन्हीं के द्वारा दूसरे तत्वों से, दूसरे एटम से रिएक्शन करते हैं, तो सब कुछ दारोमदार होता है इनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, अगर किसी के भी बाहरी ऑर्बिट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 7 तक है, अगर पूरे मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये संन्यास ले लेंगे, भैया इनको फिर दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इनके जीवन में कोई कमी नहीं है, तो इन्हें किसी से मतलब ही नहीं है, तो ये तो हो गए फिर अलग, है ना। इसमें उत्कृष्ट गैसें वगैरह आती है ना, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन ऑर्गन है, अब क्या है हमें इनसे मतलब नहीं, अब 8 का चक्कर है बाबू भाई, 8 पूरे होने चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी से ले लो, चाहे किसी को दे दो, चाहे किसी के साथ साझा कर लो, ना तुम्हारा ना हमारा, भैया बीच में रख देते, तुम भी यूज करो हम भी यूज करें, है ना, तो ये सारा चक्कर 8 बनाने का है। तो अब अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, भाई 7 इलेक्ट्रॉन माइनस ही माइनस है, तो ये हाईली नेगेटिव है, तो ये इस किसी के एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपने तरफ मिला लेगा, साथ में भैया एक को तो खींच लेंगे, तो ये इस तरह से बॉन्डिंग हो गई, और जिस तरह से जैसे जैसे कम होते जाएंगे पॉजिटिव होते जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे नेगेटिव होने, तो ऋणात्मक इनकी वो होगी, जो रिएक्टिविटी होगी, संयोजकता जिसको कहते हैं, तो उस हिसाब से जो कॉपर है वो कमजोर है। ठीक है, किसके किससे, फेरस से, जिंक से, ब्लड से, ये लोग ज्यादा रिएक्टिव हैं, और कॉपर उनकी अपेक्षा कम रिएक्टिव है, कॉपर मतलब बीच का है, मतलब ठीक ठाक है भाई, ठीक है, मुझे किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना, जो मिल जाएगा मैं उससे एडजस्ट कर लूंगा, और ये सब क्या है, नहीं मतलब बिल्कुल हम है तो बस हम है, तो क्या होता है कि भाई फेरस भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो भी ले जाता है वो सल्फेट को अपने साथ, जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है तो वो भी सल्फेट को अलग कर लेता है अपने साथ, कि नहीं मुझे चाहिए, इसके सल्फेट के पास दो माइनस चार्ज है और तो मेरे पास प्लस है तो बस ले लिया। लेड के साथ भी यही कहानी है, तो इस तरह से करके यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ से ये विस्थापित होकर, यहाँ से ये खिसक कर इनकी पार्टी में चला गया, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक के साथ जो कुछ मौलिक तत्व लगे हुए हैं वो दूसरे के साथ जाके नया यौगिक बना लेते हैं, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब चूंकि यहाँ एक ही तत्व विस्थापित हो रहा है, तो ये अभी अगर इनके साथ भी कोई होता तो वो भी विस्थापित होके इनके साथ और वो उनके साथ, तो वो द्विविस्थापन होता है, दो चीजों का, उसी को हम आगे देखते हैं कि विस्थापन और द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में आप देख रहे हो कि ये सोडियम सल्फेट है, Na2SO, द्विविस्थापन में ये सोडियम सल्फेट है, एक्वस फॉर्म में है, और ये इसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने मिलाया है, तो सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलने के बाद क्या होगा कि जब ये दोनों एक्वस हैं तो जो लिक्विड होगा उसमें क्या होंगे, सब इसके आयन फैल जाएंगे, और जब इनके आयन फैल जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जो हाईली पॉजिटिव है, जैसे सोडियम हाईली पॉजिटिव है, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ, तो वो बना लेगा NaCl,
और ये बीए और एसओ फोर मिलके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि सोडियम सल्फेट भी है, बेरियम क्लोराइड है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन। ठीक है, बेरियम और सल्फेट की अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। तो बेरियम सल्फेट है, इसका अवक्षेप नीचे मिल जाता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन की अभिक्रियाएं कहते हैं। उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन की जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होती है। ठीक है, उपचयन का क्या मतलब है, उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को मिला लेना। जैसे यहाँ पर है कॉपर और उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, इसको हमने हीट दिया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अभी इसी को जब हम गर्म हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और कॉपर अलग हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है। ये अलग अलग क्रियाएं हैं, जहां पर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है मॉलिक्यूल की उसको हम बोलते हैं उपचयन, और जहां पर ऑक्सीजन की हानि हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन था यहां पर निकल गया, इसको हम बोलते हैं अपचयन की क्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम कहते हैं अपचयन हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उपचयन और अपचयन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन और रिडक्शन मतलब अपचयन। और दोनों जहां होता है किसी अभिक्रिया में उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के बनता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जैसे कि यहां पर क्या है, CuO और हाइड्रोजन। अब इसने तो ऑक्सीजन यहां से तो निकल गया तो इसका तो अपचयन हो गया क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन ऑक्सीजन किसके साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो इनके साथ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की। ठीक है, तो उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन मतलब कि ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक, तो दोनों हो रहा है तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, ZNO के साथ जब कार्बन मिलाया तो ZN अलग हो गया और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही एक और उदाहरण आप यहाँ देख रहे हो, कार्बन अपचयित होके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ZNO अपचयित होके ZN बन गया। ठीक है, इस वाली अभिक्रिया में तो अब इसमें क्या है कि उपचयन और अपचयन जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो है दैनिक जीवन में संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या चीज होती है, संक्षारण आप देखते हो कि कभी आपने देखा है आयरन खुले में रखा हुआ है तो उसके ऊपर भूरी भूरी सी लेयर बन जाती है और कुछ दिन बाद वो आयरन धीरे धीरे, वो लोहे का सामान धीरे धीरे खराब हो जाता है ना, जिसको आप नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो ये कह सकता है कि उस पर जंग लगते हैं या लोहे के सामान पे जंग लग गया। अक्सर आप देखते हो कि कोई लोहे का सामान है तो उसके ऊपर भूरी भूरी सी पहले लेयर बनती है और वो धीरे धीरे पूरे आयरन को खराब कर देती है। इसी तरह से आप कॉपर का सामान देखो, उसके ऊपर हरी हरी सी परत जम जाती है, चांदी पे काली काली सी लेयर बन जाती है, ये सब देखा है ना आपने अपने दैनिक जीवन में, आपने जरूर देखा होगा। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे वो लेयर उसको खराब कर देती है, इसको हम बोलते हैं संक्षारण की अभिक्रिया। जो आयरन होता है वो आप खुली हवा में रखिए, बाहर रखिए, मॉइस्चर में रखिए, तो बाहर हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होता है वो आयरन के साथ रिएक्शन कर लेता है और उसके बाद वो वही भूरी परत बन जाती है। तो फिर वो धीरे धीरे ऑक्सीजन को, अरे धीरे धीरे वो आपके आयरन के मटेरियल को ऑक्सीकृत करती जाती है, खराब करती जाती है, खराब करती जाती है और धीरे धीरे पूरी तरह से वो उसका संक्षारण कर देती है, पूरी तरह से वो कमजोर कर देती है। यही सेम चीज होती है इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, जो तांबे की चीजें होती हैं उसके ऊपर आपने ग्रीन ग्रीन लेयर देखी होगी, वो भी संक्षारण का ही एक उदाहरण है। चांदी के ऊपर आपने काली काली सी लेयर देखी होगी, वो भी एक संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब आप इससे समझ, विकृत माने क्या होता है, खराब, और गंध माने महक, तो यानी खराब महक। जब आपको एक फूड आइटम बहुत दिन तक ऐसे ही रख दो तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें से
अजीब सी महक आने लगती है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि रखने से उसका टेस्ट बदल गया, उसकी खुशबू बदल गई? वो इसलिए क्योंकि बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं और वो जो है उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, उसको अपघटित करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। अब आप देखो, गर्मियों में चीजें जल्दी खराब होती हैं, ठंडी में थोड़ी देर बाद खराब होती हैं, फ्रिज में थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब टेम्परेचर एक लिमिट से कम हो जाता है तो जो बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए वो धीरे, मतलब बहुत हल्का टेम्परेचर कम होगा तो वो धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन करते रहेंगे, तो उनका जो ड्यूरेशन होता है चीजें खराब करने का या रिएक्शन करने का वो कम हो जाता है। और गर्मी होती है तो तेज हो जाता है, तो इसलिए गर्मी में जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं। इसी के साथ आप देखो, अब आप ये कहोगे कि लेकिन जो पैक फूड होता है वो तो बहुत दिनों तक रखा रहता है, वो तो नहीं खराब होता। क्यों नहीं होता, ये आपको सोचना चाहिए कि पैक होने के बाद वो क्यों नहीं खराब होता। क्योंकि उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ताकि वो उस बैक्टीरिया को उस पर रिएक्शन करने से रोक सके। तो इसका मतलब है कि आप अगर कोई ऐसा फूड खा रहे हो जो कि नॉर्मली आप रख देते तो खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी इतने दिनों तक खराब नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उसके साथ साथ केमिकल्स भी खा रहे हो, प्रिजर्वेटिव्स उसमें पड़ा होगा जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया को उस पर काम करने से रोक रहा होगा। इसलिए ज्यादा पैक फूड नहीं खाना चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया, उम्मीद है आपको समझ में आया।